ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। तकनीकी विभाग के सचिव सुनील वर्णवाल ने कहा कि जितने एमओयू हुए हैं उन पर काम शुरू हो गया है और निवेश होने पर कम से कम 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेंगे। वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। झारखंड सरकार के तकनीकी विभाग के सचिव सुनील वर्णवाल ने कहा कि कुल 210 एमओयू हुए हैं जिन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है। निवेशकों को आधारभूत संरचना जैसे जमीन, बिजली, पानी सरकार मुहैया करेगी। उन्होंने कहा कि निवेशक पूर्वी सिंहभूम में अभी रुचि दिखा रहे हैं। प्रयास तो लगातार जारी है कि जो एमओयू हुए हैं उसको शीघ्र धरातल पे उतार दें, और इसमें इसी प्रयास के तहत हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मीट बेंगलोर में किए, कल कलकत्ता में भी किए, और जिन्होंने भी एमओयू साइन किया है उनसे 1-to-1 अलग से मीटिंग किए कि उनको क्या दिक्कत है। हम लोगों से जो सहयोग है वो तो हम लोग अपनी ओर से इंश्योर करेंगे, लेकिन उनको अगर अपना अगर डीपीआर बनाना है, बैंक फाइनेंस करना है इत्यादि, तो वो भी तेज करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि उन्होंने अगर एमओयू किया है तो जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट उनको लाना है, और उसमें राज्य सरकार से जो सहयोग दिया जाना है वो हम सुनिश्चित करेंगे। और इसका अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, बहुत सारे जो हैं छोटे इंडस्ट्री जिन्होंने हमारे साथ एमओयू किए थे उनके काम इस महीने और अगले महीने से काफ़ी लोगों के शुरू हो जाएंगे, तो ये अच्छी शुरुआत होगी और निश्चित है कि इनके माध्यम से रोजगार का काफ़ी सृजन होगा। इसका लाभ हम लोगों को झारखंड राज्य के लोगों के विकास में, उनका आय का स्तर बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अगले महीने में कितनी कंपनियां हैं संभावना? देखिए, कुल तो हम लोगों ने 210 एमओयूज किए थे, तो 210 कंपनी तो है ही। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले भी कई कंपनियों के साथ विभिन्न रोड शोज में एमओयू हुए। संस्थापक दिवस के मौके पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निक्को पार्क में स्प्रिंग फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न डांस अकेडमी के बच्चों ने भाग लिया। आप घबराइए नहीं, आपको आपके पेरेंट्स है काफी चिंतित है, आपको कहीं चोट लगा? चोट लगा तो नहीं? आपको पता है क्या हुआ? आपको पता नहीं, आपको मैंने हिप्नोटाइज किए थे, आपको सम्मोहन किए थे, उसके बाद एक तलवार जो है आपका गला का आर पार हो गया। पापा बैठे, पापा से पूछ लीजिए। थैंक यू। चलिए की देखो जो बात लावली।
बड़े बड़े चले चले छोटी चिंगारी छोटी चिंगारी बड़ी 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 है अलमारी आज अलमारी उन्हीं सतबंदी आज सतबंदी उन्हीं सतबंदी की जय डिमना में माघी पर्व का आयोजन किया गया है जिसमें आसपास के क्षेत्रों के आदिवासी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब बिना मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों का संचालन नहीं हो पाएगा। उपायुक्त ने इस मुद्दे को लेकर स्कूल प्रबंधन से वार्ता की। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 175 प्राइवेट स्कूल है जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरी और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने पिलाई हॉल में स्कूलों के साथ बैठक की। मान्यता के लिए आवेदन करने को कहा गया था। इन विद्यालयों ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में आवेदन किया था जिसके आधार पर एक सूची बनाई गई है। सूची में 34 विद्यालयों का नाम शामिल है। सूची को झारखंड प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा जा रहा है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही विद्यालयों की जांच की जाएगी और मान्यता देने की प्रक्रिया होगी। जिला शिक्षा अधीक्षक नीलम आइलिन टोपो ने बताया कि जिन विद्यालयों ने आवेदन नहीं दिया है वैसे विद्यालयों की सूची भी बनाई जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम में बंद पड़े खदानों के चलते बदहाल मजदूरों के लिए खुशखबरी है। प्रशासन ने दो खदानों को फिर से आरंभ करने के लिए सप्लीमेंट्री लीज प्रदान कर दिया है। जिला प्रशासन ने न्यायालय के आदेश और सरकार के पत्र के आलोक में यह कार्रवाई की है। अनिल खिरवाल और देवका बाई वैलजी की माइंस को सप्लीमेंट्री लीज प्रदान की गई है। इन दोनों खदानों में काम शुरू होने से नौमुंडी, बड़ा जामदा और गुआ क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वर्षों से बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोगों के चेहरे पर खुशी लौटेगी। झारखंड सरकार के उद्योग खान और भूतत्व विभाग ने खान खनिज विकास एवं विनिमय संशोधन अधिनियम 2015 के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम जिले के 8 खनन पट्टों को अवधि विस्तार देने की स्वीकृति प्रदान कर दिया था। अब सरकार के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल के पत्र के बाद जिला प्रशासन ने दो खदानों को लीज प्रदान कर दिया है। कुछ कागजी खानापूर्ति करने के बाद इन दोनों खदानों में काम शुरू हो जाएगा।